फ्रेंड्स कैसे हैं, इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज आपके साथ मैंने ये शेयर करना था कि मैं अपनी चीज़ों को जो है ना किस तरह से बहुत टाइम तक ना सेव करती हूँ, यानी कि किस तरह केयर करती हूँ कि वो न्यूली ही लगते हैं। अब जस्ट लाइक ये पर्स हैं या हैंड बैग्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बाय किए और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी टाइम के हैं। कभी मतलब कभी एक चीज़ ले ली, एक ले लिया, कभी दूसरा। इसमें मेरे बच्चों के भी हैं, दो यानी तीन बेटियों के भी मेरे इसमें हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इनको ना जब भी लेती हूँ तो जिप बैग में ना पैक करके रख देती हूँ, और जो उठाना होता है डेली रूटीन में वही उठाती हूँ। और जो है मैचिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जस्ट लाइक अगर आपने मैरून कलर का हैंडबैग उठाया है तो आप शूज़ भी मैरून ही पहने, ठीक है ना। इसी तरह अगर ब्लू आपने हैंडबैग उठाया है तो आप ब्लू शूज़ पहने। ऐसा नहीं है कि ब्लैक पर्स है और शूज़ जो है रेड है, तो इंतहाई बुरा लगेगा। एक तो आपने मैचिंग जो है करनी है, दूसरी बात है सेव आपने करना है, अपनी चीज़ों को केयर करनी है। जो आप डेली का हैंडबैग उठा रही हैं, छोटा सा कपड़ा लें, उसको वेट करें और उसको क्लीन करें, ताकि आपका जो डेली रूटीन वाला है वो भी नीट ही रहे, और जो बाकी हैं वो आपने पैक करके रखे होंगे। और ऐसे उसको खाली भी ना रखें, कोई ना कोई चीज़ कपड़ा या अखबार वो आप डाल के रख सकती हैं, वरना उसकी ना लुक ख़राब हो जाती है। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप करेंगी तो इंशाल्लाह आपके जितने भी क्लच हैं या हैंडबैग्स हैं या पर्स हैं वो न्यू ही रह जाएंगे, जैसे कि ये मेरे हैं। तो देखिए मैं आपको कोई भी वीडियो जो शेयर करती हूँ ना इंफॉर्मेटिव होती है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू हैं, और लाइक भी करें। और इसके अलावा ये देखें, मैंने आपको अभी ये बताना है कि मैंने कहाँ कहाँ से बाय किए थे। ये जो ये वाला ब्लैक है कॉपी पर्स है, और जो बड़ा हैंडबैग है ये सेट ही था। ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने मेरी सिस्टर को दिया था, उसने मुझे दे दिया, तो मैंने कहा चले मुझे तो गिफ्ट मिल गया ना। ये डेनमार्क से लिया था, यानी भेजा था ना। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसमें जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा तकरीबन जो है मेरा जो है सब कुछ ही आ जाता है, सामान वगैरह ना। अच्छा, ये अबाया के साथ बेस्ट है। ये मेरी बेटी अबाया पहनती है तो उसके साथ ही उठाती है, तो ये भी अबाए के लिए A1 है, अच्छा लगता है। इस तरह के छोटे जो है ना ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते। और ये देखिए ये भी सेम वैसे ही है, और ये देखिए मैंने इनकी किस तरह केयर की हुई है कि फुल न्यू लग रहे हैं ना। तो हमें अपनी चीज़ों की केयर ही करनी चाहिए। हम काफ़ी कॉस्टली चीज़ें बाय करते हैं। ये वेलवेट का, ये सऊदीया से मुझे मैंने मंगवाया था, ये भी सऊदीया का है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये जो मैरून कलर का है ना। ये कॉपी पर्स भी मैंने अपनी सिटी से लिया था। अच्छा, ये ऑफ़ पे था तो मैंने स्टाइलो से लिया था, ये जो सिल्वर है ना। और ये जो है ये भी सऊदीया का है। तो देखें मेरे सारे के सारे पर्स न्यू हैं, बिकॉज मैं इनकी केयर करती हूँ। तो आप भी केयर किया करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लाइक भी किया करें, और वैसे भी मुझे बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो ये भी देखें, ये भी अबाई के साथ जो है बहुत अच्छा लगता है, एक डिसेंट सी लुक आती है। कि छोटे छोटे पर्स, ये जैसे कोई पार्टी होती है तो जैसे शादी वगैरह होगी तो इसलिए मैंने मैचिंग की थी सूट के साथ। तो ये देखिए तकरीबन ये 3 साल पुराना है लेकिन लग नहीं रहा। और ये मेरी बेटी का है, वो जहाँ पर भी जाती है तो अपना ये कैरी कर लेती है ना। लोग में मिलेंगे आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।